ओम साई राम। साई तीर्थिम पार्क में सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जिनकी केवल इच्छा से साम्राज्य खड़े हो सकते हैं और सम्राट सिंहासन पर बैठ सकते हैं। ऐसे विश्व नियंत्रक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साई बाबा को सिंहासन की क्या आवश्यकता। द्वारका माई में तो वे एक सूत से बने एक साधारण से कपड़े पर बैठा करते थे, परंतु भक्तों के प्रेम की कोई सीमा नहीं और इसी प्रेम से ही आज समाधि मंदिर में साई बाबा की चिन्मय मूर्ति सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान है और इसी सिंहासन पर सुवर्ण छत्र भी विराजमान है। साई बाबा का समाधि मंदिर कैसे सुवर्णमय हुआ, कहां से आया साई का सुवर्ण सिंहासन और छत्र, इसकी तमाम जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, साई तीर्थिम पार्क के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साई बाबा के महासमाधि के बाद समाधि मंदिर में एक चांदी के चौरंग पर बाबा की एक प्रतिमा रखी गई थी। लगभग 36 वर्ष उसी प्रतिमा का पूजन मंदिर में होता रहा। 1954 में समाधि मंदिर में साई बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मूर्ति में साई बाबा एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। इसी कारण मूर्ति को सिंहासन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस पर मुंबई के नरसरवाजी और ग्रुप ने 10,000 रुपए लागत का चांदी का सिंहासन 3 अप्रैल 1958 यानी हनुमान जयंती के दिन अर्पण किया। उसी दिन इस सिंहासन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और अगले ही दिन इसे मूर्ति के साथ स्थापित किया गया। इससे साई बाबा की मूर्ति की शोभा कई गुना बढ़ गई। लेकिन सन 1986 में यह सिंहासन पुराना होने के कारण तत्कालीन संस्थान प्रशासन ने लगभग 60 किलो वजन का नया चांदी का सिंहासन बनवाया, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, साई बाबा के लीलाओं और भक्तों को उनके अनुभव के कारण शिरडी में दुनिया भर से आने वाले साई भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और साथ ही भक्तों द्वारा बाबा की झोली में दान भी बढ़ता गया। सन 2000 के बाद साई भक्तों द्वारा बाबा को चांदी की वस्तुओं से ज्यादा सोने की वस्तुओं का चढ़ावा अधिक होने लगा। सन 2006 में हैदराबाद के साई भक्त विजय कुमार ने सुवर्ण पादुकाएं अर्पण कर दी। बाद में भक्तों द्वारा बर्तन, हार, मुकुट आदि सोने की वस्तुएं अर्पण की गई। मंदिर के कलश को भी सुवर्णमय बनाया गया, लेकिन अभी तक बाबा का सिंहासन सोने से नहीं सजा था। 23 दिसंबर 2007 को साई भक्त आदिनारायण रेड्डी जी ने 19 किलो 411 ग्राम वजन का सुवर्ण सिंहासन और गर्भगृह में सोने का नक्शीकाम साई मंदिर को अर्पण कर दिया। उस वक्त इन सब की कीमत 1,99,55,000 रुपए थी। इससे साई समाधि मंदिर की रौनक कई गुना बढ़ गई। वीडियो के अंत में सबसे खास जानकारी, साई दर्शन के बाद अपनी शिरडी यात्रा को शानदार और मंगलमय बनाने के लिए भारत के सबसे पहले धार्मिक थीम पार्क साई तीर्थ को विजिट कर तीर्थ यात्रा में सुप्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, सबका मालिक एक शो में साई की संपूर्ण जीवनी, द्वारका माई में साक्षात साई बाबा के दर्शन और फाइडी में लंका दहन का रोमांच अवश्य अनुभव करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।